को उरन के देकर जाओ उतरने को। बेटी यहां तक तेरा फर्ज हुआ पूरा, इब सावत्री उल्टी हट जा। नहीं महाराज। क्यों? क्यों? क्योंकि बिना पति के धर्म राज मेरी हट जा। तेरे बिना पति के धर्म राज मेरी एक रुपये जिंदगी कट जा। बिना पति के धर्म राज मेरी एक रुपये जिंदगी कट जा। किसी के मरने से जिंदगी अधूरी नहीं रहती, दुनिया मरती है। ये तेरा पति मर गया? नहीं महाराज। तू चिंता मत कर, मैं तेरी सत की भक्ति से प्रसन्न हूं। अगर तुझे जिंदगी जीने के लिए कुछ चाहिए तो जो तू कहेगी मैं तन्ने दे दूंगा। महाराज आप मेरे पति के प्राण दे दीजिए महाराज, और मुझे बस कुछ केवल पति के प्राण को छोड़ के जो कहेगी मैं दे दूंगा। अच्छा हाँ, तो कही अपनी बात। चिंता दूर कर।
मेरा हो जाएंगे खुशी आज भरपूर करो। कि एक पुत्र हो क्या? एक बेटा हो मेरी को किसे तेजस्वी और शूर करो। सास ससुर की आंख उनका राज तथास्तु, ठीक है महाराज। दूसरा वरदान तेरे पिता के दो नहीं 100 पुत्र तथास्तु, ठीक है महाराज। तीसरा वरदान तेरे भी एक पुत्र बेटी तथास्तु, ठीक है महाराज। है देता हूँ वरदान सती महाराज। हाँ? जब आज आप मेरे पति के प्राण लेके चले जाएंगे महाराज, तो आप ही बताइए कि मुझे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी महाराज। बिना पति के पुत्र प्राप्त नहीं होते? नहीं होते महाराज। आजकल तो जागो करके देख लो। लेकिन बेटी मैंने इसी मुंह से तुझे सती कहा है जी, इसलिए सती वो होती है जो सपने में भी पर पुरुष का स्मरण तक नहीं करती जी महाराज। और मैंने पहले ही कहा था कि अपने पति को मत मांगना, लेकिन बेटी तूने मुझे बातों के जाल में फंसा के राजपाट भी ले लिया, आंखें भी ले ली, पिता के 100 पुत्र भी ले लिए, और अपने भी एक पुत्र होने के लिए तथास्तु करवा ली है। बेटी बिना पति के तेरे पुत्र कैसा हो, इस मुंह से मैंने तुझे सती भी कहा है, ये तो हो नहीं सकता। अब या तो ये जिंदा हो जी, या फिर मैं वचनहार हूं। बिल्कुल महाराज, आप अपने वचन पूरे कीजिए, वरना आप वचनहार हो जाइए, वचन तोड़ दीजिए महाराज, अगर आप पूरे नहीं कर सकते तो। दुनिया में वचन और प्रण नहीं टूटते, तो अपना वरदान पूरे कीजिए महाराज। मैं तो तुझसे गुजारिश कर सकता हूँ जी, कि तू एक काम कर, 5-7 वचन और ले ले, इसने छोड़। नहीं महाराज, आपने मुझे ये जो 3 वरदान दिए हैं, आप पहले इनको पूरे कीजिए, उसके बाद मैं देखूंगी। मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन इसको जिंदा नहीं कर सकता। नहीं महाराज, ये तो आपको करना ही होगा, और अगर पूरा नहीं कर सकते तो यू कैन गो, पहाड़ी के पीछे से रास्ता जाता है महाराज, निकल जाइए। यमराज ने धमका रही है सावित्री जी। मेरे नाम मात्र से प्रकृति के चराचर जीव कांपते। अच्छा, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, दिख तो नहीं रहा, देख मैं भयानक भी हूं, नहीं लग रहा। महाराज यहाँ पे सर्कस थोड़ी हो रहा है। तू तो डरती भी नहीं है बेटी, तू बड़ी अच्छी लड़की है जी, छोड़ ना इसको। नहीं छोड़ दूं महाराज, कैसे छोड़ दूं, मेरे प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। नहीं टूटेंगे महाराज। बेटी कोशिश करो महाराज, जोर लगा के। नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है। अरे महाराज हो जाएंगे, कोशिश करें। मेरे अंडर का काम कौन आयो? अरे महाराज आपका नाम तो यमराज है, यमराज। हाँ से आप तो यमराजों के भी यमराज हो महाराज। मैं अपना नाम बाल किशन बताऊं, यमराज है मेरा नाम। तो जबी तो कह रही हूँ। हाँ। अरे सब कुछ तेरे हाथ में ही तो है। मेरे हाथ में बैंगन भी कौन है? सावित्री तन्ने वचन भरा के, सावित्री तन्ने वचन भरा के, चक्कर बीच फसाया। तेरे पति की आयु खत्म।
अगर तू अपनी आधी जिंदगी पति को दे तो जिंदा हो सकता है। महाराज मेरी आधी की क्या, आधी जिंदगी क्या, आप मेरी पूरी जिंदगी ले लो महाराज, मैं तो हंसते हंसते दे दूंगी अपने पति को।